गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू थिंक आइज चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस घटना चक्र दृष्टि, इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ईयर्स करेंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीएससी प्रीलिम्स। लेट अस बिगिन द टॉपिक। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, चौथा भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद, 11 अप्रैल 2022 को वॉशिंगटन डीसी में चौथे भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद, फोर्थ इंडिया यूएस 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग का आयोजन किया गया। इस संवाद में भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा किया गया, जबकि अमेरिका का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकिन तथा रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन द्वारा किया गया। संवाद के दौरान दोनों पक्षों द्वारा नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार उपग्रह के विकास पर संतोष व्यक्त किया गया। इस उपग्रह का प्रक्षेपण 2023 में भारत से किया जाएगा। यह मिशन जलवायु संकट से निपटने हेतु आवश्यक आंकड़ों को संग्रहित करेगा। भारत द्वारा कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस टास्क फोर्स में एसोसिएट भागीदारी एसोसिएट पार्टनर के रूप में शामिल होने के भारत के निर्णय का अमेरिका द्वारा स्वागत किया गया है। पांचवा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन BIMSTEC 30 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिम्स्टेक पहल के पांचवें शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन की मेज़बानी आभासी माध्यम से श्रीलंका द्वारा की गई, वर्चुअल मीडियम से। ध्यातव्य है कि वर्ष 2022 बिम्स्टेक की स्थापना का 25वां साल है। इस सम्मेलन का विषय एक लचीला क्षेत्र की ओर, समृद्ध अर्थव्यवस्था, स्वस्थ लोग, टूवर्ड्स अ रिजिलियंट रीजन, प्रॉस्परस इकोनॉमीज, हेल्दी पीपल। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी तथा अन्य राष्ट्राध्यक्षों के समक्ष 3 निम्नलिखित समझौते पर हस्ताक्षर हुए: आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता, राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में आपसी सहयोग, बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुविधा की प्रतिस्थापना इस्टेब्लिशमेंट हेतु प्रबंध पत्र। शिखर सम्मेलन के दौरान थाईलैंड ने बिम्स्टेक के अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया। अध्यक्ष के रूप में श्रीलंका का कार्यकाल सितंबर 2018 से मार्च 2022 समाप्त हो गया। बिम्स्टेक के सदस्य देशों में बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान और नेपाल शामिल हैं। अब बात करते हैं क्वाड नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन। 24 सितंबर 2021 को वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन की मेज़बानी में व्यक्तिगत उपस्थिति वाले इन पर्सन पहले क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। उल्लेखनीय कि क्वाड समूह को आधिकारिक रूप से चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्वाडिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के नाम से जाना जाता है। इस समूह में शामिल 4 देश अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान हैं। 3 मार्च 2022 को क्वाड नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन सम्पन्न हुआ। सद्या सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अतिरिक्त अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन, ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन तथा जापानीज प्रधानमंत्री फ्यूमियो किशिदा शामिल हुए। भारत यूएई वर्चुअल शिखर सम्मेलन, 18 फरवरी 2022 को भारत यूएई वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। यह शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के मध्य आयोजित हुआ। इस अवसर पर दोनों देशों द्वारा भारत एवं यूएई समग्र सामरिक गठजोड़ में प्रगति, नए मोर्चे, नए मील के पत्थर, एडवांसिंग द इंडिया एंड यूएई कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, न्यू फ्रंटियर्स एंड न्यू माइलस्टोन्स शीर्षक से एक संयुक्त विजन वक्तव्य ज्वाइंट विजन स्टेटमेंट जारी किया गया। दोनों नेताओं ने भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ तथा यूएई की स्थापना के 50वें वर्ष के अवसर पर संयुक्त स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। इस शिखर सम्मेलन के दौरान भारत यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते सेपा CEPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। सेपा एक संतुलित, निष्पक्ष, व्यापक तथा न्याय संगत साझेदारी समझौता है। यह यूएई द्वारा संपादित पहला द्विपक्षीय व्यापार समझौता है। साथ ही मीना, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका क्षेत्र में भारत का पहला द्विपक्षीय व्यापार समझौता है। यह कोई अंतरिम समझौता नहीं है बल्कि एक पूर्ण एवं व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता है जिसे न्यूनतम संभावित समय में अंतिम रूप दिया गया है। 88 दिन के रिकॉर्ड समय में अंतिम रूप देकर हस्ताक्षरित किया जाने वाला यह एक ऐतिहासिक पहला समझौता है।
88 दिन के रिकॉर्ड समय में अंतिम रूप देकर हस्ताक्षर किया जाने वाला यह एक ऐतिहासिक समझौता है। यह समझौता 1 मई 2022 से लागू हो गया है। भारत यूएई सेपा के कार्यान्वयन से भारत द्वारा यूएई को निर्यात किए जाने वाले लगभग 90% उत्पादों पर शून्य शुल्क यानी जीरो ड्यूटी लगेगा, जबकि 80% व्यापार लाइनें लाइंस ऑफ ट्रेड शुल्क मुक्त शून्य शुल्क होंगी। मुक्त व्यापार हेतु भारत यूएई सेपा के कार्यान्वयन के माध्यम से भारत यूएई द्विपक्षीय व्यापार को वर्तमान के $60 बिलियन से बढ़ाकर 5 वर्षों में $100 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन 27 जनवरी 2022 को डिजिटल माध्यम से पहले भारतीय मध्य एशिया शिखर सम्मेलन फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट का आयोजन भारत की मेज़बानी में संपन्न हुआ। इसमें भारतीय प्रधानमंत्री के अतिरिक्त कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने हिस्सा लिया। भारत और मध्य एशिया देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र दिल्ली डेक्लरेशन जारी किया गया। सम्मेलन में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया जिसके तहत प्रत्येक 2 वर्ष में इस शिखर सम्मेलन को आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की गई। विदेश मंत्रियों के स्तर पर भारत मध्य एशिया वार्ता तंत्र के अतिरिक्त वाणिज्य एवं संस्कृति मंत्रियों तथा सुरक्षा परिषद के सचिवों के स्तर पर भी नियमित वार्ताओं के आयोजन पर सहमति बनी। विदेश मंत्रियों के स्तर पर भारत मध्य एशिया वार्ता तंत्र के अतिरिक्त वाणिज्य एवं सांस्कृतिक मंत्रियों तथा सुरक्षा परिषद के सचिवों के स्तर पर भी नियमित वार्ताओं के आयोजन पर सहमति बनी। नई दिल्ली में एक भारत मध्य एशिया केंद्र स्थापित किया जाएगा जो भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन हेतु सचिवालय का कार्य करेगा। अगला भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन वर्ष 2024 में आयोजित होगा। 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन 6 दिसंबर 2021 को 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली भारत में किया गया। इस शिखर सम्मेलन में जारी भारत रूस संयुक्त वक्तव्य का शीर्षक भारत रूस शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए भागीदारी इंडो रशिया पार्टनरशिप फॉर पीस प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी है। इस शिखर सम्मेलन में भारत एवं रूस के बीच 28 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। 20वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन व्लादिवोस्तोक रशिया में सितंबर 2019 में किया गया था। 21वें भारत रूस शिखर सम्मेलन के अतिरिक्त पहली बार दोनों देशों के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन किया गया। 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में दोनों देशों के रक्षा मंत्री एवं विदेश मंत्री शामिल हुए। भारत रूस के अतिरिक्त अमेरिका, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन करता है। 22वें भारत रशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2022 में रशिया में किया जाएगा। 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2021 31 अक्टूबर 2021 से 13 नवंबर 2021 तक 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कंजर्वेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 का आयोजन किया गया। यह आयोजन स्कॉटलैंड यूके के ग्लासगो शहर में संपन्न हुआ। COP26 का आयोजन यूके द्वारा इटली की साझेदारी में किया गया। COP26 अब तक सबसे बड़ा पक्षकारों का सम्मेलन कॉप मींस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज था जिसमें 194 देशों के 38,000 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। भारतीय मूल के ब्रिटिश आलोक शर्मा COP26 के अध्यक्ष थे। शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। प्रधानमंत्री ने COP26 में पंचामृत का मंत्र दिया। पंचामृत के तहत भारत ने विश्व के समक्ष निम्नलिखित प्रतिबद्धताएं व्यक्त की। वर्ष 2030 तक भारत की गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक ले जाना। वर्ष 2030 तक भारत की 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को अक्षय ऊर्जा के माध्यम से पूरा करना। वर्ष 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। भारत वर्तमान से लेकर वर्ष 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जनों में 1 बिलियन टन की कटौती करेगा 1 बिलियन टन को कार्बन एमिशन को।
वर्ष 2070 तक भारत द्वारा शुद्ध शून्य नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। तो नेट जीरो कार्बन न्यूट्रलिटी की बात की गई है। COP26 के दौरान यूके, भारत, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, जमैका और मॉरिशस द्वारा संयुक्त रूप से IRIS आयरिस को लॉन्च किया गया। आयरिस का पूर्ण रूप है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिजिलियंट आइलैंड स्टेटस, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिजिलियंट आइलैंड स्टेटस स्टेट्स। तो स्टेट्स की बात कर रहे हैं, जो आइलैंड स्टेट्स हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिजिलियंट आइलैंड स्टेट्स IRIS कौन कौन से देशों के बीच साइन हुआ? यूके, भारत, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, जमैका और मॉरिशस। यह छोटे द्वीपीय विकासशील देशों सिट्स SIDS स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हेतु एक समर्पित पहल है। CDRI कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा सदस्य देशों एवं संगठनों के सहयोग से आयरिस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स को स्थापित किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य गुणवत्तायुक्त तकनीकी एवं वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के माध्यम से जलवायु परिवर्तन एवं प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सिट्स क्वालेश सिट्स मतलब स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स की अवसंरचना को लचीला बनाना है। तो इस पहल का क्या उद्देश्य है? गुणवत्तायुक्त तकनीकी एवं वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के माध्यम से जलवायु परिवर्तन एवं प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सिट्स नेशन जो हैं उनकी अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर को लचीला बनाना है, फ्लेक्सिबल बनाना है। COP26 के दौरान 2 नवंबर 2021 को भारत एवं यूके द्वारा संयुक्त रूप से GGI OSOWOG ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य वैश्विक विद्युत ग्रिडों के माध्यम के मध्य अंतर्बद्धता में सुधार कर हरित ऊर्जा की ओर संक्रमण ट्रांजिशन में तेजी लाना है। तो इसका क्या उद्देश्य है OSOG का? तो वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड, इसका उद्देश्य वैश्विक विद्युत ग्रिडों के मध्य अंतर संबद्धता में सुधार कर हरित ऊर्जा को की ओर संक्रमण ट्रांजिशन में तेजी लाना है। तो ग्रीन एनर्जी की ओर हमें ट्रांजिशन करना है। वन सन वर्ल्ड और वन ग्रिड का क्या कॉन्सेप्ट है कि हमेशा जो सन होता है अर्थ के चारों तरफ अपनी लाइट प्रोवाइड कराता रहता है। तो सनलाइट प्रचुर मात्रा में अर्थ को मिलती रहती है, तो कभी कहीं पर दिन होता है, कहीं पर रात होती है। तो एक ऐसी ग्रिड बनाई जाए जिससे पूरी अर्थ को कवर किया जाए, जहाँ पर दिन हो वहाँ से सनलाइट को कैप्चर किया जाए, सोलर एनर्जी को ट्रैप किया जाए, और जहाँ पे रात हो तो वहाँ पर यूज़ किया जाए, और जब वहाँ पर दिन हो जाए तो वहाँ पर सोलर एनर्जी कैप्चर की जाए, टारगेट की जाए, और सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाए, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जाए और उस जगह पर भेजा जाए जहाँ पर अभी रात है। COP26 के दौरान 2 नवंबर 2021 को अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा अन्य भागीदारों द्वारा ग्लोबल मीथेन प्लेज को लॉन्च किया गया। इस पहल का उद्देश्य वैश्विक मीथेन उत्सर्जनों में कटौती करना है। इस पहल में शामिल होने वाले देश वर्ष 2020 के स्तरों की तुलना में वर्ष 2030 तक वैश्विक मीथेन उत्सर्जनों में न्यूनतम 30% की कटौती के सामूहिक लक्ष्य हेतु प्रतिबद्ध है। भारत, चीन एवं रूस इस पहल में शामिल नहीं है। COP26 के दौरान एडाप्टेशन रिसर्च अलायंस ARA को भी लॉन्च किया गया। यह एक ऐसे हितधारकों का समूह है जो जलवायु परिवर्तन के विध्वंसक प्रभावों से सुभेद्य समुदायों वल्नरेबल कम्युनिटीज़ की रक्षा हेतु समर्पित हैं। तो इसमें भारत और चाइना बेसिकली क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि भारत और चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। इस वजह से वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है तो मीथेन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा, पर कैपिटा मीथेन प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो हमेशा ये टॉप पर ही दिखेंगे। तो इसलिए भारत और चाइना ने इसे बॉयकॉट किया है। COP26 के समापन पर द ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट नामक जलवायु संधि पर सहमति बनी। G20 शिखर सम्मेलन 2021 30 से 31 अक्टूबर 2021 को इटली की राजधानी रोम में G20 के 16वें वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन में G20 सदस्य देशों, यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन और अन्य आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के राष्ट्राध्यक्षों, सरकारों ने भाग लिया। इटली की अध्यक्षता में संपन्न यह शिखर सम्मेलन लोक, ग्रह और समृद्धि, पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी
विषय थीम पर केंद्रित रहा। तो इसकी थीम क्या थी? इटली की अध्यक्षता में संपन्न यह शिखर सम्मेलन पीपल प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी थीम के साथ केंद्र पर रहा। सम्मेलन का फोकस क्षेत्र महामारी से उबरने और वैश्विक स्वास्थ्य तंत्र को मजबूती प्रदान करना, आर्थिक सुधार एवं लचीलापन, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव की प्रक्रिया, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव की प्रक्रिया और सतत विकास तथा खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित रहा। तो चार क्षेत्र इसमें फोकस क्षेत्र रहे, पहले पे महामारी से उबरने और वैश्विक स्वास्थ्य तंत्र की मजबूती, आर्थिक सुधार एवं लचीलापन, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव की प्रक्रिया, सतत विकास तथा खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित। इस सम्मेलन में भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। ये आठवां अवसर रहा जब प्रधानमंत्री ने G20 शिखर सम्मेलन में भागीदारी की। इस सम्मेलन में अंत में रोम घोषणा पत्र G20 रोम लीडर्स डिक्लेरेशन जारी किया गया। इस घोषणा पत्र के प्रमुख मुद्दों में जलवायु एवं ऊर्जा, आर्थिक पुनः प्राप्ति, COVID-19, जैव विविधता एवं पर्यावरण, सतत विकास तथा टैक्स जैसे मुद्दे शामिल थे। ध्यातव्य है कि वर्ष 2022 का G20 शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया की मेज़बानी में बाली में संपन्न होगा, 2022 का जो अभी होगा, जबकि वर्ष 2023 में 18वां G20 शिखर सम्मेलन पहली बार भारत की मेज़बानी में संपन्न होगा। तो इंडोनेशिया वाले शिखर सम्मेलन में पुतिन, रशिया के राष्ट्रपति भी आएंगे। चौथी ISA सभा 18 से 21 अक्टूबर 2021 के मध्य वर्चुअल माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस की चौथी सभा का आयोजन किया गया। ISA की पहली सभा 2 से 5 अक्टूबर 2018 के मध्य ग्रेटर नोएडा में आयोजित की गई थी। दूसरी ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस सभा 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2019 तक नई दिल्ली में संपन्न हुई, जबकि तीसरी सभा का आयोजन अक्टूबर 2020 में वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुआ था। इस सभा में 74 सदस्य देशों एवं 34 पर्यवेक्षक एवं संभावित देशों सहित कुल 108 देशों ने भाग लिया। ISA सभा ने, इंटरनेशनल सोलर अलायंस सभा ने सौर निवेश में $1 ट्रिलियन जुटाने के लिए एक ठोस कार्रवाई एजेंडे को मंजूरी दी। इस हेतु ISA ने ब्लूमबर्ग फिलेंथ्रोपीज के साथ साझेदारी की घोषणा की। विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन WSTS सितंबर 8 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA तथा फिक्की FICCI फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन WSTS वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया गया। वर्ष 2019 में लिथियम आयन बैटरी की क्रांतिकारी खोज के लिए रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजे गए डॉक्टर एम स्टैनली विटिंगम, जॉन बी गुड इनफ तथा अकीरा योशिनो के साथ संयुक्त रूप से सोलर इम्पल्स फाउंडेशन स्विट्जरलैंड के अध्यक्ष बर्नार्ड पिक्काई ने भी इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेकर इसे गौरवान्वित किया। तो कितनी अच्छी बात है। इसमें कौन कौन थे? डॉक्टर एम स्टैनली विटिंगम, उनमें और कौन साथ था उनके, जॉन बी गुड इनफ तथा अकीरा योशिनो के साथ संयुक्त रूप से इन्होंने साझा किया था नोबेल पुरस्कार। किस क्षेत्र में? लिथियम आयन बैटरी की क्रांतिकारी खोज के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान में।